जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एंड आज जो करेक्टर्स होंगे, सो द लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट द कॉमन फॉल्टी पोस्चर्स एट द सर्वाइकल, थ्रेसिक एंड लंबर रीजन। ठीक है, लंबर रीजन में कितने हैं फॉल्टी पोस्चर्स और कौन कौन से? अपर फ्लैट बैक लंबर में नहीं आता, अपर फ्लैट बैक सर्वाइकल सर्वाइकल थ्रेसिक में आता है। लॉर्डोटिक पोस्चर, क्लाउच पोस्चर, लो फ्लैट बैक, फ्लैट लो बैक पोस्चर, फ्लैट अपर बैक आता है इन सर्वाइकल थ्रेसिक। देखो बेटा, वो कोई भी चीज अपने नॉर्मल मतलब जो अलाइनमेंट है अगर उससे बाहर आ गई तो वो प्रोट्रूजन है। मतलब कि अगर ये जैसे ये बोर्ड है, चाहे ये यहाँ से बाहर आ जाए, इसका कोई भी पोर्शन इधर से बाहर आ जाए या ऑपोजिट साइड से बाहर चला जाए तो वो प्रोट्रूजन होता है। ठीक है, सही, इस लिहाज से हम प्रोट्रूजन बोलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड क्या प्रोट्रूजन होता है? अगर ये ऐसे रोटेट कर जाएगी तो एक तो ये पीछे प्रोट्रूजन देगी और एक आगे की प्रोट्रूजन देगी, तो जो पीछे वाली प्रोट्रूजन है उसको हम रेजर बैक एंड बोलते हैं। ठीक है, सर्वाइकल जॉइंट का देख लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सर्वाइकोजेनिक हेडेक। ठीक है, या सर्वाइकल हेडेक। ठीक है, तो आप सबको पता है हेडेक क्या है। ठीक है, सर का दर्द, लेकिन वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 15-20% केसेस जो होते हैं हेडेक के, वो सर्वाइकल के डिसफंक्शन की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? सर्वाइकल के डिसफंक्शन की वजह से होते हैं। मतलब क्या है कि आपके जो 15-20 हेडेक्स हैं वो सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहे हैं। अब यूजुअली सर्वाइकल स्पाइन कैसे इन्वॉल्व हो रही है? जब भी आपकी सर्वाइकल स्पाइन का पोस्चर इम्पेयरमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है, डिसफंक्शनिंग की तरफ जाएगा, वो चाहे मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से हो, ठीक है, डिसफंक्शन, वो चाहे पोस्चर रिलेटेड डिसफंक्शन हो, ठीक है, आपके कॉन्टिन्यूस ऑक्यूपेशन की वजह से, ठीक है, जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की जो भी पोस्चर है रिलेटेड ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, आपको हेडेक स्टार्ट हो सकता है। तो यूजुअली जो जितने भी हेडेक्स हैं अगर हम उनको डिवाइड करें तो आपको 15-20% ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें आपकी सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व होगी। जब आप सर्वाइकल स्पाइन को इम्प्रूव करोगे, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करोगे, तो हेडेक भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उनकी जो पेन होती है वो इन जगहों पर हो सकती है,
कि जहां पर आपके सर्वाइकल मसल जो है पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल मोस्टली जो आपका ट्रेपीजियस है ओलिवेटस कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिपिटल कंडाइल से थोड़ा सा ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है, आपके ट्रेपीजियस भी लिवेटस कैपिलरी भी, ठीक है, वहां इनकी ओरिजिनेशन के ऊपर पेन हो सकती है, ठीक है, टॉप के ऊपर हो सकती है, ठीक है, या बैक ऑफ हेड के ऊपर हो सकती है, ठीक है, जो पेन रेडिएट करके जाए टॉप के ऊपर या बैक ऑफ हेड पर, ठीक है, वो पेन हो सकती है। और दूसरा जो है आपके अटैचमेंट या सिंपली जो आपके पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल्स हैं अगर उनमें टेंशन डेवलप हो जाती है तो उनमें जो पेन है टेंशन की वजह से, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज ड्यू टू द सर्वाइकल सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शन, ठीक है, और ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हेडेक यूजुअली वो कहता है कि मे बी ऑकर आफ्टर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और मे बी कॉज्ड बाय फॉल्टी और सस्टेन पोस्चर्स, ठीक है, नर्व इरिटेशन और इंपिंचमेंट और सस्टेन मसल कॉन्ट्रेक्शन फ्रॉम फॉल्टी पोस्चर और इमोशनल टेंशन लीडिंग टू इस्थीमिया, ठीक है। ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जितनी भी कॉजेज हैं, ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या कॉज कर सकती हैं, इस्थीमिया कॉज कर सकती हैं, ब्लड वेसल ब्लड फ्लो की एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकती हैं, जिसकी वजह से यूजुअली हेडेक होता है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है, जब वो असेंड करती हैं तो C1 C2 के अराउंड क्या करती हैं, वाइंड करके फिर अंदर एंटर होती हैं इनटू द ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो वो कहता है कि जब आपके सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, या सर्वाइकल स्पाइन का डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाए तो आपके पोस्चर की वजह से क्या हो सकते हैं कि आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं दोनों साइड्स के ऊपर, राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जो है, ठीक है, जो अंदर जाके ब्रेन स्टेम में जाके वेसिलर आर्टरी बन जाती है, ठीक है, तो ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज वहां पर इंपिंच हो सकती हैं ड्यू टू सर्वाइकल डिसफंक्शन, सर्वाइकल के खराब पोस्चर की वजह से, फॉल्टी पोस्चर की वजह से, ठीक है। और अगर फॉल्टी पोस्चर होगा तो अल्टीमेटली क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है और ब्लड फ्लो जो है वो आपका एबनॉर्मल होके इस्कीमिया कॉज कर सकता है। अच्छा, हेडेक्स जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये कॉमन फॉल्टी पोस्चर जो है सर्वाइकल थोरैसिक जंक्शन के, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद TMJ डिसफंक्शन, ठीक है, जो आपकी फ्लैट अपर बैक पोस्चर है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, फ्लैट अपर बैक में फ्लैट अपर बैक पोस्चर, हमने दो पोस्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, द वन इज फ्लैट अपर बैक एंड द अदर वन इज राउंडेड नेक, ठीक है, राउंडेड नेक में प्रोट्रैक्शन में जाएगी, ठीक है, राउंडेड नेक जो है, ठीक है, उसमें आपकी प्रोट्रैक्शन जाते हैं TMJ, ठीक है, और जो आपका फ्लैट अपर बैक है उसमें आपका रिट्रैक्शन जाता है, सही कह रहे हो, फ्लैट अपर बैक में आपका TMJ क्या जाएगा, रिट्रैक्शन में जाएगा। सो जिस तरीके से आपके सर्वाइकल स्पाइन के साथ एसोसिएटेड है TMJ डिसफंक्शन, उसी तरीके से आपका TMJ डिसफंक्शन भी क्या कॉज कर सकता है, हेडेक कॉज कर सकता है, मतलब ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, द वन सर्वाइकल स्पाइन, द अदर इज TMJ एंड द थर्ड वन इज योर हेडेक, ठीक है, तो ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। यूजुअली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल भी हो सकता है, ठीक है, और बायलेटरल भी हो सकता है, लेकिन वो कहता है अगर बायलेटरल भी होगा तो एक साइड के ऊपर पेन ज्यादा होगी और दूसरी साइड के ऊपर पेन एज कम्पेयर टू वन साइड कम होती है, ठीक है, समझ आ गई, टॉप के ऊपर या बैक ऑफ हेड के ऊपर जो आपको पेन आ रही है या आपके पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल्स में जो टेंशन डेवलप हो रही है, ठीक है, या पोस्टीरियर सर्वाइकल स्पाइन पोस्टीरियर सर्वाइकल मसल जो जहाँ पर जहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं उनके ओरिजिनेशन के पॉइंट के ऊपर पेन आपको हो रही है तो दैट इज हेडेक, ठीक है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, ठीक है, सिंपली बाकी कोई भी किसी भी किस्म का हेडेक होगा उसकी और प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जैसे मिग्रेन है, ठीक है, सही है, उनकी और प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं ये टॉप के ऊपर और बैक ऑफ हेड पे, ठीक है, बैक ऑफ ऑक्सीपिट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सारे पोस्चरल मसल्स अटैच हैं, ठीक है, तो बैक ऑफ हेड के ऊपर जो भी आपको पेन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक की वजह से हो रही है।
अच्छा पेन इन द नेक और सब ऑक्सीपिटल रीजन ऑब्वियसली जो बैक ऑफ द रीजन है सब ऑक्सीपिटल रीजन दैट स्प्रेड्स इनटू द हेड ठीक है ये यूजुअल फाइनल सिम्टम है इंटेंसिटी कैन फ्लक्चुएट बिटवीन माइल्ड मॉडरेट एंड स्वेयर इंटेंसिटी फ्लक्चुएट कर सकती है माइल्ड भी हो सकता है मॉडरेट भी हो सकता है स्वेयर भी हो सकता है यूजुअली जब आप रेस्ट करके उठोगे तो माइल्ड हो जाएगा ठीक है रेस्ट के साथ माइल्ड हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडरेट होगा लेकिन जब आप कोई एक्टिविटीज करते हो जैसे कि कोई सस्टेन एक्टिविटी करते हो पढ़ाई करते हो स्टडी करते हो ठीक है या कंप्यूटर यूज करते हो बहुत ज्यादा देर के लिए तो उसमें क्या हो जाएगा स्वेयर भी हो सकता है वो हेडेक ठीक है प्रेसिपिटेटेड बाय सस्टेन नेक पोस्चर्स और मूवमेंट ऑब्वियसली सस्टेन नेक मूवमेंट्स की वजह से या पोस्चर्स की वजह से ओरिजिनेट करता है आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है ट्रॉमा या डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है सर्वाइकल स्पाइन में सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस ठीक है लंबर स्पोंडाइलोसिस होता है सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस होती है तो दिस इज अ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन ठीक है लंबर होगी तो लंबर की डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज को हम क्या बोल देते हैं दैट इज लंबर स्पोंडाइलोसिस जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसी तरीके से सर्वाइकल के सर्वाइकल में जो डिजेनरेशन होती है उसको सर्वाइकल स्पोंडाइलोसिस SPONDYLOSIS ठीक है और इसी तरीके से अगर लंबर में डिजेनरेशन हो रही है तो उसको हम लोग लंबर स्पोंडाइलोसिस बोल देते हैं डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की वजह से हो ठीक है या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से या फिर पोस्टुरल स्ट्रेसेस की वजह से हो सकती है मोर प्रेवलेंट अमंग फीमेल्स बट नॉट फैमिलियल टेंडेंसी ठीक है यूजुअली जो है वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स ठीक है लेकिन कोई फैमिलियल टेंडेंसी नहीं है कि ये फीमेल्स में ही होगा ठीक है मोर प्रेवलेंट है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनकी फीमेल्स में होगा और इनमें नहीं होगा मेल्स में भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोस्चर यूजुअली इमोशनल स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिन फीमेल्स को इमोशनल स्ट्रेस होता है तो उनमें ये जितने फॉल्टी पोस्चर्स हैं ठीक है ये भी क्या करते हैं एड अप होके तो पोस्चर हेडेक को क्या करते हैं एग्रवेट कर देते हैं ठीक हो गया अच्छा जी मस्कुलोस्केलेटल इंपेयरमेंट क्या हो सकती है ऐसे क्या इंपेयरमेंट है जिसकी वजह से आपकी सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शन में जा रही है और फिर सर्वाइकल स्पाइन के डिसफंक्शन में जाने की वजह से आपको हेडेक हो रहा है जैसे मैंने पहले बात की कि जी सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शन में जाएगी तो एक्चुअली वर्टिब्रल आर्टरीज जो है जो आपकी असेंट कर रही है इनटू द ब्रेन स्टेम जो कि बेसिलर आर्टरी बन जाती है वर्टिब्रल आर्टरी के ऊपर ऐसा क्या इफेक्ट पड़ रहा है या किस इंपेयरमेंट की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है कि जिससे उसकी ब्लड फ्लो एबनॉर्मली ब्लड फ्लो में एबनॉर्मलिटी आ रही है ठीक है So, what are the musculoskeletal impairments? The one is joint impairment in the upper cervical spine, ठीक है? Pain and motion restriction, आपकी C1, C2, most common, C1, C2 सबसे ज़्यादा close हैं किसके? आपके vertebral artery के. कभी आप लोगों ने पढ़ा है cervical spine का structure? सिर्फ cervical spine का वो structure है जिसके transverse foramen के transverse processes में भी foramen हैं. ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है ना बाहर साइड पे ठीक है ये जो ट्रांसफर्स प्रोसेस है सर्वाइकल स्पाइन में इनमें फोरामेन होता है दोनों साइड के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप लोगों को नेट में याद हो ठीक है बाकी ना थोरैसिक में ऐसा कोई फोरामेन है ना लंबर में है ना किसी और स्पाइन के रीजन में है सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन ऐसी है जिसके ट्रांसफर्स प्रोसेस में क्या है फोरामेन है जहां से आपकी वर्टिब्रल आर्टरी असेंड करती है अब देखो वर्टिब्रल आर्टरी असेंड कर रही है अगर ट्रांसवर्स प्रोसेस के एक फोरामेन से और उसी सर्वाइकल स्पाइन में क्या आना शुरू हो जाए मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाए या उसका पोस्चर गलत होना शुरू हो जाए तो ऑब्वियसली एक ट्रांसवर्स प्रोसेस दूसरे ट्रांसवर्स प्रोसेस से अप्रोक्सीमेट भी करता है और अवे भी मूव करता है ठीक है ये जो साइड बेंडिंग है इसमें एक साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस इकट्ठे हो जाएंगे इस साइड पे अवे हो जाएंगे ठीक है एंड वाइस वर्सा तो जब आपका ट्रांसवर्स प्रोसेस अवे अप्रोक्सीमेट भी हो सकता है अवे भी मूव कर सकता है तो ऑब्वियसली जो वर्टिब्रल आर्टरी अंदर है वो भी तो इंपिंचमेंट कॉज कर सकती है उसमें भी तो एबनॉर्मलिटी आ सकती है तो यूजुअली वो कहते हैं कि जब भी आपकी सर्वाइकल स्पाइन डिसफंक्शन में जाएगी आपकी वर्टिब्रल आर्टरी में क्या हो सकती है ब्लड फ्लो एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस हो सकती है जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है और जिसकी वजह से यूजुअली हेडेक्स प्रेजेंट करते हैं पेशेंट ठीक हो गया अपर सर्वाइकल स्पाइन क्यों जरूरी है क्योंकि अपर सर्वाइकल स्पाइन ऐसी है जिसमें और ज्यादा क्लोज अप्रोक्सीमेशन है
नियर द फेसेट जॉइंट्स, जो C1 C2 है, ठीक है, C0 ऑक्सीपिटल कंडाइल, C1 C2, इनमें बहुत ज्यादा क्लोज अप्रोक्सीमेशन है किसकी, आपकी वर्टिब्रल आर्टरी की, ठीक है। तो अपर सर्वाइकल स्पाइन जब भी डिसफंक्शन में जाएगी, ठीक है, और फॉल्ट में जाएगी, तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, ठीक हो गया। इंपेयर्ड मसल परफॉर्मेंस, ठीक है, इंपेयर्ड मसल परफॉर्मेंस मींस कि ऐसे मसल जो कि वीक हो रहे हैं, ठीक है, सही है, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल इंपेयर्ड टॉनिक पोस्चरल कंट्रोल, ऐसे मसल जो आपके पोस्चर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एंड एंड्योरेंस इन अपर एंड डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स एंड पॉसिबली मल्टीफिडस, दैट इज एन एक्सटेंसर मसल एंड स्मॉल पोस्टीरियर सब ऑक्सिपिटल मसल्स। आपके जितने भी डीप मसल्स हैं जो पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, सुपरफिशियल मसल्स पोस्चर को मेंटेन नहीं करते, डीप मसल्स जितने भी होते हैं वो आपके पोस्चर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो जितने भी डीप मसल्स हैं अगर उनकी इंड्योरेंस कम है, ठीक है, या फिर वो वीक हो गए तो उससे क्या हो सकता है, आपकी मस्कुलर इम्बैलेंस डेवलप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी डीप मसल्स आपके वीक होंगे आपके सुपरफिशियल मसल्स को टेंशन ज्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। इंपेयर्ड शोल्डर क्रेडल, ठीक है, या स्कैपुलर पोस्चर विद रिलेटेड मस्कुलर इम्बैलेंस, ठीक है, अगर पोस्चर सही नहीं है आपके स्कैपुला का, ठीक है, और वहां स्कैपुला के अराउंड भी क्या है मस्कुलर इम्बैलेंस डिवेलप हुआ हुआ है, तब भी क्या हो सकता है आपके सर्वाइकोजेनिक हेडेक डिवेलप हो सकता है, ठीक है। राउंडेड शोल्डर्स हैं, ठीक है, सही है, प्रोटेक्टेड स्कैपुला है, बहुत ज्यादा रिट्रैक्टेड स्कैपुला है, ठीक है, तो क्या हो सकता है आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है, ठीक है। यहां तक कि इंपेयर्ड लंबर पोस्चर विद रिलेटेड मस्कुलर इंबैलेंस, ठीक है, वो कहते हैं यूजुअली देयर इज अ रिसर्च जो ये कहती है कि जहां पर आपकी लंबर स्पाइन में इंपेयरमेंट स्टार्ट होती है उसी तरीके से आपकी सर्वाइकल स्पाइन में भी इंपेयरमेंट स्टार्ट हो जाती है, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे लंबर स्पाइन में इंपेयरमेंट स्टार्ट होती है वैसे वैसे सर्वाइकल स्पाइन में इंपेयरमेंट स्टार्ट होती जाती है और प्रोग्रेस करती जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लंबर स्पाइन में कर रही है। तो जब भी लंबर पोस्चर आपका खराब होगा उसकी वजह से एक्चुअली किसको इफेक्ट हो रहा है, सर्वाइकल स्पाइन को इफेक्ट हो रहा है, और फिर सर्वाइकल स्पाइन इनडायरेक्टली क्या कॉज कर रही है आपकी हेडेक कॉज कर रही है, ठीक है। इंपेयर्ड न्यूरल टिश्यू फ्रॉम प्रेशर और इन्फ्लेमेशन इन द अपर सर्वाइकल और सब ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है, आपके जो नर्व्स हैं, ठीक है, नर्व रूट्स इमर्ज करें फ्रॉम द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, ठीक है, अगर इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में नैरिंग हो जाए, ठीक है, जैसे डीजनरेशन की हमने बात की ना, डीजनरेशन जॉइंट डिजीज है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, ठीक है, जहां पर भी डीजनरेशन होगी वहां पर आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास नैरो डाउन हो जाएंगे। तो जहां पर भी इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास नैरो डाउन होंगे वो क्या कॉज करेंगे आपको पेन कॉज कर सकते हैं, ठीक है, न्यूरल टिश्यू वहां पर इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, जहां पर भी न्यूरल टिश्यू इन्फ्लेम्ड होंगे वहां पर सर्वाइकोजेनिक हेडेक स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इंपेयर्ड न्यूरोमोटर कंट्रोल, ठीक है, जब आपका कंट्रोल उतना बेहतर ना रहे, ठीक है, कि आप अपने जो सर्वाइकल मसल्स हैं, ठीक है, उनको रिलैक्स कर सको और कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, द एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक मसल्स, तब भी आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक स्टार्ट हो सकता है। सो दे आर ऑल आर रिलेटेड टू द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन में मस्कुलर इंबैलेंस है, ठीक है, मसल्स टाइट हो रहे हैं, मसल्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, जॉइंट्स में कोई इश्यू चल रहा है, जॉइंट्स के साथ जो आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामिना हैं, जो न्यूरल टिश्यूज इमर्ज हो रहे हैं उनमें कोई इश्यू चल रहा है, ठीक है, या आपकी वर्टिब्रल आर्टरी को कोई इफेक्ट हो आ रहा है, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन के पोस्चर की वजह से, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या कॉज कर सकते हैं, सर्वाइकोजेनिक हेडेक कॉज कर सकते हैं, ठीक है। We are going towards the next topic, that is intervertebral disc. हम लोगों ने जो पिछले जितने भी lectures पढ़े हैं, हम लोगों ने उसमें बात की थी about the etiology of pain. ऐसे ही है ना? हम लोगों ने second last से भी जो last lecture पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने बात की थी etiology of pain. किस spine में pain किस वजह से हो रही? उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि mechanical factors हैं, mechanical stresses हैं, nerves का pressure है, या फिर आपके जितने भी मस्कुलर इंबैलेंसेस हैं उनकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन,
जिसकी वजह से पेन कॉज हो रही है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बात की थी स्टार्ट में अबाउट द मस्कुलर इंबैलेंसेस, हम लोगों ने मसल्स की बात की, सर्वाइकल के लंबर के मसल्स के, सर्वाइकल के प्राइम जो मसल्स हैं, ठीक है, उनका प्राइम एक्शन क्या है और उनका स्टेबलाइजिंग एक्शन क्या। ऑब्वियसली जो कोर मसल्स हैं वो स्टेबिलिटी में मैक्सिमम रोल प्ले कर रहे हैं, जो सुपरफिशियल मसल्स हैं वो ज्यादातर आपकी मूवमेंट अकर करने में रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लंबर स्पाइन सुपरफिशियल मसल्स हैं वो भी मूवमेंट प्रोड्यूस करें और जो कोर मसल्स हैं वो स्टेबिलिटी का फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है, सही है। हम लोग ने बात की थी ना, तो वो जो मसल मैंने पढ़ाए थे या जो उनका फंक्शन पढ़ाया था वो एक्चुअली किस लिए पढ़ाया था, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये फंक्शन है नॉर्मल, ठीक है, इससे एबनॉर्मल जो भी फंक्शन होगा उस मसल का वो क्या होगा, इट विल बी एबनॉर्मल, और वो तभी होगा जब आपकी स्पाइन एम्पेयरमेंट में जाएगी, ठीक है, ऐसे ही है ना। जब आपकी स्पाइन इंपेयरमेंट में जाएगी तो मसल्स डिफरेंटली बिहेव करेंगे, ठीक है, ऐसे ही है, कैसा नहीं होता, होता है जिससे जब भी आपके स्पाइन आउट ऑफ द अलाइनमेंट होगी, किसी डिजीज में होगी, किसी डिजनरेशन में होगी, तो आपके मसल्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो वो पढ़ाने का मकसद क्या है कि आपको पता चल सके कि मसल्स की वजह से हो सकती है आपको पेन लंबर में भी, सर्वाइकल में भी, ठीक है। फिर कॉमन फॉल्टी पोस्चर्स जिसमें हम लोगों ने बात किसकी की है, मसल्स की है ना, कि देयर इज अ मस्कुलर इंबैलेंस, ठीक है, या वो क्रॉस में टाइटनेस है या क्रॉस में वीकनेस है जिसकी वजह से मस्कुलर इंबैलेंस डेवलप हो, ठीक है। इसी तरीके से अपर सर्वाइकल स्पाइन में भी हमने बात की थी कि प्रोट्रैक्शन हो रही है, इसके मतलब इरिट्रैक्शन हो रही है, मैक्स ज्यादा प्रोट्रैक्शन हो जाए वो भी क्या है, इंपेयरमेंट है, फॉल्टी पोस्चर है, ज्यादा रिट्रैक्शन हो जाए, जैसे मिलिट्री मिलिट्री जो है आपका पोजीशन है या मिलिट्री आप उसको कह लो पोस्चर है, जो मिलिट्री पोस्चर है बहुत ज्यादा रिट्रैक्शन के साथ कहला की वो भी क्या है, इंपेयरमेंट है, ठीक है, वो भी फॉल्टी पोस्चर है, तो वो भी एक्चुअली क्या है, सारे मस्कुलर मसल्स का इंबैलेंस है ना, उसकी वजह से भी पेन हो रही है, ठीक है। सो सेकेंड हमने सर्वाइकोजेनिक हेडेक की बात कर ली कि सर्वाइकल स्पाइन की डिसफंक्शन की वजह से हेडेक हो सकता है। अब थर्ड क्या है कि आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस तरीके से बिहेव करती है, ठीक है, पेन कैसे कॉज कर सकती है। तो सबसे पहले यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आप सबको एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट इवेल्युएशन आनी चाहिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है किस स्ट्रक्चर का किस चीज के साथ और पेन किस वजह से हो सकती है, ठीक है, सही है। सो इवेल्युएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आप लोगों को थेरेपी सिखाना मुश्किल काम नहीं है, थेरेपी सिखाने के लिए आप आधा एक महीना या दो महीने काफी होते हैं, आपको पता चल जाता है ये थेरेपी है, ठीक है, लेकिन हाउ टू इवेल्युएट अ पेशेंट, ठीक है, हाउ टू फिजिकली एग्जामिन अ पेशेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जब आप लोग ये जिस सेमेस्टर में हो, फिफ्थ सेमेस्टर है, सिक्स्थ सेमेस्टर, जब आप सेवन्थ सेमेस्टर में जाओगे आप लोगों के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे इसमें भी कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हो, है कोई कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है, फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कार्डियोपल्मोनरी की असेसमेंट कैसे करनी है, ट्रीटमेंट क्या होगी कार्डियोपल्मोनरी की, इसी तरीके से अपर स्पाइन में क्या क्या आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, लंबर स्पाइन में आपने क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को इवेल्युएशन आनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन आना चाहिए। जब आपको ये दोनों चीजें नहीं आती तो आप डॉक्टर नहीं कहलवा सकते, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए। हमेशा जो आप हम जिस चीज के लिए भाग रहे हैं कि जी हमें डॉक्टर कहलाया जाए, ठीक है, हम फिजिकल थेरेपिस्ट हैं लेकिन हमारा मेडिकल प्रोफेशन है, हम डॉक्टर हैं, जैसे ही है ना आपको डीपीटी कहा कहकर आपने एडमिशन लिया ना, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो डॉक्टर कौन होगा जिसको इवेल्युएशन करनी आपकी होगी, जिसको एग्जामिनेशन करना आपका हो। आप लोग अक्सर पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या कहते हो डॉक्टर को, मुझे ये है मुझे ये है मुझे ये है, आप ऐसा करें मुझे ये वाली मेडिसिन दे देंगे, क्या वो आपकी बात मानते आपको मेडिसिन देते, क्यों क्यों नहीं देता,
क्या वो आपकी बात नहीं मानना चाहता? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी बात नहीं मानना चाहता, वो तो आपकी बात मानना चाहता है। हाँ, जब आप उसको ये कह दो कि आप मुझे ये मेडिसिन ना दो, मुझे इससे क्या है एलर्जी है, तो वो रुक जाए। लेकिन जब आप ये कहोगे नहीं नहीं मैं तो ये बड़ी खा चुका हूँ या मैं बड़ी खा चुकी हूँ लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा, तो वो क्या करेगा? आपकी बात सुने? नहीं सुनेगा। ठीक है, व्हाई? क्योंकि उसने क्या किया, एग्जामिन किया, इवेल्युएट किया। ठीक है, तो वो किसी से डिक्टेट नहीं हो सकता। जिसने इवेल्युएशन किया हो, जिसने एग्जामिनेशन किया हो, किसी से डिक्टेट नहीं हो सकेगा। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, आपने एक पेपर सॉल्व करके मुझे दे दिया है, मैंने पेपर को चेक किया, आप फेल हो गए हो। ठीक है, अब आप मुझे आगे कहोगे जी सर मुझे पास करना है, तो मैं आपसे कैसे डिक्टेट हो सकता हूँ जबकि आपने आपको मैंने इवेल्युएट कर लिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो द डिफरेंस लाइज हियर कि हम क्या किस चीज के पीछे भागते हैं कि हमें थेरेपी का पता होना चाहिए, हमें ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए कि लंबर स्पाइन का बल्ज कैसे ठीक हो रहा है, लंबर स्पाइन में पेन है तो कैसे ठीक हो रही है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, हमने उसको इवेल्युएट कैसे करना है। इवेल्युएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट। ठीक है, जब आपको इवेल्युएशन नहीं आएगी, आपको नहीं पता चलेगा कि पेशेंट को कहां पर क्या इश्यू है। ठीक है, तो द मेन थिंग लाइज इन द इवेल्युएशन एंड इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। इवेल्युएशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द स्पाइन, वो चाहे सर्वाइकल है, वो चाहे थ्रस्ट है, चाहे लंबर है, चाहे सेक्रम है। ठीक है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर्स, पूरे जितने भी आपके बॉडी में जॉइंट्स हैं, उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पाइन में क्योंकि देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर, ब्लड वेसल्स दे आर इन क्लोज रिलेशनशिप, नर्व दे आर इन क्लोज रिलेशनशिप, जॉइंट्स दे आर इन क्लोज रिलेशनशिप, और एक किस्म का जॉइंट नहीं है, डिफरेंट किस्म के जॉइंट्स हैं। एक जॉइंट वो है जो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान बनता है, एक जॉइंट वो है जो फेसल जॉइंट्स के दरमियान बनता है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट जॉइंट्स, ठीक है, which can produce a pain, तो आपको evaluate करना आना चाहिए, physically examination करना आना चाहिए। That's why we have started with intervertebral disc. This is the main topic. Intervertebral disc किस वजह से pain cause कर सकती है? ऐसी क्या चीज़ है intervertebral disc में जो pain cause कर सकती है? So here we start with intervertebral disc के अंदर दो चीज़ें हैं आपके पास। This outer one is the annulus fibrosus, ठीक है, this inner one is the nucleus pulposus. अगर हम सबसे पहले annulus fibrosus की बात करें, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने annulus fibrosus को fibrocartilage से बनाया, किससे बनाया? Fibrocartilage से और collagen fibers से। आपको पता है collagen fibers सबसे ज्यादा rigid stiff structure, ठीक है, क्या है? Rigid और stiff structure है। Stiff structure का मतलब क्या है कि नॉर्मल लोडिंग से, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कर लेगा? उस नॉर्मल लोड को बेयर कर लेगा इजीली। ठीक है, इसी चीज को अलग अलग ने फाइब्रस कार्टिलेज से और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनाया है एनुलस फाइब्रोसिस को। ठीक है, अब एनुलस फाइब्रोसिस में कंसेंट्रिक शील्स होती है इसकी, कोलेजन फाइबर्स की। कंसेंट्रिक शील्स का मतलब क्या है? सर्कल शील्स हैं, ठीक है, क्या है? सर्कल शील्स हैं। ये नहीं है कि एक तरफ से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा उसने डिस्टेंस कवर किया और फिर एंड हो गई। देयर आर कंसेंट्रिक शील्स, ठीक है, सही है, देयर आर कंसेंट्रिक शील्स। ठीक है, अब वो कहते हैं ये जो कंसेंट्रिक शील्स हैं, दे आर हाउ दे आर बिहेविंग, इनका बिहेवियर क्या है? सबसे पहले कहते हैं कि अगर पहली कंसेंट्रिक शीट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड की तरफ है, तो जो उससे सेकंड कंसेंट्रिक शीट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द राइट साइड। ठीक है, फिर जो उससे अगली होगी वो क्या होगी? लेफ्ट साइड में। उससे अगली जो होगी फिर क्या होगी? राइट साइड। खूबसूरती देखें, ठीक है, कि उस अल्लाह ताला ने क्या किया है, कंसेंट्रिक शीट्स दी हैं। ठीक है, लेट्स से 100 कंसेंट्रिक शीट्स हैं, तो 50 की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड 50 की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द राइट। ऐसे ही अब जब मैं राइट साइड की रोटेशन करूंगा, तो जो लेफ्ट साइड की लेफ्ट
ओरिएंटेड क्या है, कंसेंट्रिक ट्रिप्स है, वो क्या करेंगे मेरी राइट पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसी तरीके से मैं लेफ्ट साइड पेशेंट करूंगा तो मेरी राइट साइड ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेड कंसेंट्रिक ट्रिप्स में क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पेशेंट को कंट्रोल करेंगे या प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई कि 50 कंसेंट्रिक शेप्स राइट साइडेड ओरिएंटेड है, 50 कंसेंट्रिक शेप्स लेफ्ट साइडेड ओरिएंटेड। नाउ द थर्ड फैक्टर, पहला फैक्टर क्या है, फाइबर कार्टिलेजिनस एंड कोलेजन फाइबर से मिलकर बनाया मिलर फाइब्रोसिस। सेकंड क्या है, कंसेंट्रिक शीट्स हैं। थर्ड क्या है कि 50 राइट साइडेड ओरिएंटेड होंगी तो 50 लेफ्ट साइडेड ओरिएंटेड होंगी। एंड द फोर्थ फैक्टर इज कि जो नॉर्मल ओरिएंटेशन होती है किसी भी कंसेंट्रिक शीट की वो क्या होती है, 60 से 65 डिग्री फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, लाइक दिस, ये अगर ट्रांसवर्स प्लेन है इससे क्या होगी, 60 टू 65 डिग्री दे आर ओरिएंटेड, दे आर ओरिएंटेड इन 60 टू 65 डिग्री फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है ट्रांसवर्स प्लेन के ओरिएंटेशन, ये क्या है, दे आर एंगल्ड। और किस एंगल पर है, 60 से 65 डिग्री के एंगल के ऊपर ये क्या है, ओरिएंटेड है। अब ये जो 60 से 65 डिग्री का एंगल है ये अलग अलग क्यों बनाया, हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो कि हमारे स्पाइन के लिए डेंजरस हो सकती है या हमारे स्पाइन के लिए पेनफुल हो सकती है या हमारे स्पाइन में जिसको सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, वो पोजीशन ये होती है कि दैट इज बेंडिंग एंड द सेम रोटेशन। बेंडिंग के साथ अगर आप रोटेशन कर रहे हो तो इस टाइम मेरी स्पाइन सबसे ज्यादा लोड बेयर कर रही है और मेरी स्पाइन में अगर कहीं पहले से कोई इशू होगा तो यहाँ पर वो इशू एग्रेवेट हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर हम कोई भी चीज उठाते हैं तो बेंड करके फिर उठाते हैं ना, या अक्सर हमें बेंड करके ऐसे साइड से कोई चीज उठानी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप कोई हैवी चीज उठाओगे तो देयर इज अ चांस कि आपकी स्पाइन की फॉर्म क्या कर जाए, पेन कॉज करना शुरू करते हैं या पेन फुल हो जाए। ठीक है, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ये जो 60 से 65 डिग्री का ओरिएंटेशन है ये अलग अलग है इसलिए बनाई है कि जो रोटेशन और फिक्स्ड पोजीशन है। ठीक है, आपकी जो फॉरवर्ड बेंडिंग है स्पाइन की और जो रोटेशन है फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ उसको क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, उसको क्या किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। ठीक है, यहां तक बात की समझ आ गई। ठीक है, एंगुलर फाइब्रोसिस, ठीक है, ये जो आउटर शीट है, ये जो आउटर शीट है, ठीक है, ये आउटर शीट अपर वर्टिब्रा से अटैच होगी, लोअर वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी। ठीक है, मतलब इसकी जो ऊपर वाली सरफेस लाइक दिस, लेट्स से ये आउटर द मोस्ट आउटर लेयर, ठीक है, ये ऊपर वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी, नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ अटैच होगी। ठीक है, जब भी ये सेगमेंट मूव करेगा, वर्टिब्रल सेगमेंट इसको कहते हैं जिसमें दो वर्टिब्रल बॉडीज हो और एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल सेगमेंट। तो जब भी वर्टिब्रल सेगमेंट मूव करेगा तो वर्टिब्रल बॉडीज के साथ साथ क्या मूव करेगी, आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क मूव करनी चाहिए, करेगी, क्यों, क्योंकि एंगुलर फाइब्रोसिस की ऊपर भी अटैचमेंट है, नीचे भी अटैचमेंट है। समझ आ गई बात, ठीक है, यहां तक बातें समझ आ गई। इसके बाद होते हैं जो इनर लेयर होती है एनुलर फाइब्रोसिस की, उसके अटैचमेंट होती है विद द न्यूक्लियस फल्पोसस। ठीक है, सही है कि जब भी एनुलर फाइब्रोसिस मूव करेगा न्यूक्लियस फल्पोसस अलाउ करेगा या उस न्यूक्लियस फल्पोसस को भी मूव करने की कोशिश करेगा विद इटसेल्फ। ठीक है, जब एनुलर फाइब्रोसिस मूव करेगा तो न्यूक्लियस फल्पोसस भी मूव करेगा। समझ आ गया ना आपको, ठीक है, सो दे हैव द अटैचमेंट अबव आउटसाइड as well as inside, ठीक है? They have attachments above the vertebra, they have attachments below the vertebra. समझ आ गई बात? यहाँ तक बात भी समझ आ गई? सर
जो वर्किंग क्लास की इंक्रीज में पोस्टिंग होता है वो आपस में कनेक्ट होते हैं वर्टिब्रल बॉडी आ गई ना फिर तो वर्टिब्रल बॉडी आ गई वर्टिब्रल बॉडी नीचे ये वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान इनके वर्टिब्रल डिस्क है आउटसाइड एनिलोसाइक्लोसिस और इनसाइड न्यूक्लियस प्रोपोसिस हर इंटरवर्टिब्रल डिस्क में एक एनिलोसाइक्लोसिस है एक न्यूक्लियस प्रोपोसिस है हर इंटरवर्टिब्रल डिस्क में दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड बस क्या है कि कनेक्शन है एनिलोसाइक्लोसिस किसके साथ अटैच है अपने अपर और लोअर वर्टिब्रल के साथ अटैच है समझ आ रही है बोन्स की क्या होती है पेरिओस्टियल लेयर होती है ऐसी है ना पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन होती है जो पेरिओस्टियल लेयर होती है आउटर लेयर उसके साथ क्या होती है आपकी एनिलोसाइक्लोसिस की अटैचमेंट हो जाती है सिंपल यहां तक बात समझ आ गई नाउ इफ वी गो टुवर्ड्स न्यूक्लियस प्रोपोसिस ठीक है न्यूक्लियस प्रोपोसिस जो कहते हैं यूजुअली प्रोटियोग्लाइकन से मिलकर बना होता है किससे मिलकर बना होता है प्रोटियोग्लाइकन से अब वो कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स में मैक्सिमम अफिनिटी होती है किसके लिए वाटर के लिए क्या होती है वाटर के लिए अफिनिटी होती है हमने ये पढ़ा हुआ है कि जहां 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 सोडियम जाएगा जहां वहां वहां वाटर मूव करता है ऐसे ही है ना पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ हमारे अपने होम्योस्टेसिस में भी फिजियोलॉजी में भी आपने शायद पढ़ा हो जब आप लोगों ने किडनी का सिस्टम पढ़ा हो कि जहां जहां सोडियम जाएगा जब वहां वहां वाटर जाता है ये दोनों आपस में बैंड बनी है इसी तरीके से प्रोटियोग्लाइकन्स और वाटर ये भी आपस में क्या है बैंड बनी है जैसे कि प्रोटियोग्लाइकन्स की कंटेंट ज्यादा होती है वहां पर वाटर की एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमाइज हो जाती है जहां पर प्रोटियोग्लाइकन्स का कंटेंट कम होता है वहां पर वाटर की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है कम हो जाती है अब न्यूक्लियस प्रोपोसिस में वो कहते हैं जब ड्यूरिंग रेस्ट जब आप सीधे लेटे हो या करवट पर लेटे हो किसी भी या उल्टे लेटे हो तो क्या होता है कि प्रोटियोग्लाइकन्स मैक्सिमम क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं जितना उसके पास प्रोटियोग्लाइकन है उतना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो क्या हो जाती है स्वेल हो जाती है स्वेल न्यूक्लियस प्रोपोसिस क्या हो जाता है स्वेल होना शुरू हो जाता है जब भी न्यूक्लियस प्रोपोसिस स्वेल करेगा तो आपकी वर्टिब्रल बॉडीज क्या करेंगी एक दूसरे से अवे मूव करेंगी जितना आपकी वर्टिब्रल बॉडी एक दूसरे से अवे मूव करेगी उसकी उतनी ही मूवमेंट क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी करीब आ जाना वर्टिब्रल बॉडी का एक दूसरे से मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आती है देखो ना बेटा वर्टिब्रल बॉडीज है दो वर्टिब्रल बॉडीज है हम जॉइंट को कहते हैं एंटाइलॉसिस जो जॉइंट्स फ्यूज कर जाए उनके लिए क्या बोलते हैं एंटाइलॉसिस तो जॉइंट्स की जो फ्यूजन है वो तभी होती है ना जब जॉइंट्स आपस में एक दूसरे के करीब हो जाते हैं जब जॉइंट्स हो ही दूर तो एंटाइलॉसिस हो ही नहीं सकती पॉसिबल ही नहीं सो जितना आपके वर्टिब्रल बॉडी एक दूसरे से मूव दूर मूव करेंगे उनकी मूवमेंट उतनी ज्यादा इजी हो जाएगी ठीक है अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि जब आप पूरी से पूरा जो दिन का टाइम होता है इसमें जब आप खड़े होते हो जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो खड़े होके बैठ के तो आपके ऊपर लोडिंग आती है आपकी स्पाइन के ऊपर लोडिंग आती है जैसे ही आपकी स्पाइन के ऊपर लोडिंग आती है वर्टिब्रल बॉडीज क्या करना शुरू करती है वेट को किसके ऊपर शिफ्ट करती है डिस्क के ऊपर शिफ्ट करती है अब जो न्यूक्लियस प्रोपोसिस है उसका एक काम है उसका क्या काम है तो उसने वेट को लेना है ऊपर से ठीक है और उसने इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वेट किसी एक जगह पर बेयर ना हो और ऐसा ना हो कि किसी एक जगह पर मिनिमम वेट बेयर हो गया नॉर्मल डिस्क का क्या काम होगा कि वो वेट को क्या कर देगी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो न्यूक्लियस प्रोपोसिस होता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर जैसे ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जो वाटर कंटेंट प्रोटियोग्लाइकन्स ने एब्जॉर्ब किया था ड्यूरिंग द रेस्ट वो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा मूव आउट हो जाएगा अवे मूव कर जाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क को छोड़ के बाहर चला जाएगा ठीक है यहां तक बात समझ आ गई ठीक है यहां तक बात समझ आ गई सो जैसे ही लोड खत्म होगा आप रेस्ट में जाओगे तभी लोड खत्म होता है जब आप रेस्ट में जाते हैं लोड खत्म होगा प्रोटियोग्लाइकन दोबारा से वो जो है वाटर बाहर निकाला तो उसको क्या कर लेंगे कैप्चर करके अब्सॉर्ब कर लेंगे ठीक है और दोबारा से आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क अपने नॉर्मल हाइट पर आ जाए
वो कहते हैं जब आप रोज सुबह उठते हो तो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट 25% बढ़ी हुई होती है, ठीक है, कितनी बढ़ी हुई है 25% इंटरवर्टिब्रल डिस्क की हाइट। इट इज अ स्मॉलर, बहुत स्मॉल है, लेकिन 25% इज अ मेजर सिग्निफिकेंट पोर्शन। अगर आप इंटरवर्टिब्रल डिस्क को पाइल अप करो तो बहुत छोटी, बहुत छोटा सा आपकी हाइट बनेगी, सिर्फ अगर इंटरवर्टिबल डिस्क को आप फाइल अप करो, वर्टिबल बॉडी से निकाल। लेकिन जो 25% है ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, क्योंकि 25% तक आपकी स्पाइन की हाइट बढ़ जाती है इंटरवर्टिबल डिस्क की वजह से, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अब हमारे पास होते हैं कार्टिलेजिनस एंड प्लेयर्स, ठीक है, क्या होते हैं कार्टिलेजिनस एंड प्लेयर्स। इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे एक जैम है, ठीक है, जैम क्या होता है, ऊपर से लिड हो, ठीक है, नीचे से बेस हो, उसके अंदर क्या है, सारा जेली स्ट्रक्चर है। वो जो उसकी शीशे की बॉटल है आउटसाइड, वो एमिलस फाइब्रोसिस है, लेग से, वो क्या है एमिलस फाइब्रोसिस है, जो अंदर जैम है वो क्या है न्यूक्लियस फाइब्रोसिस है। ऊपर वाली लिड और नीचे वाली लिड, नीचे वाली जो बेस है, दे आर कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स, दे आर कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स। अब देखो अल्लाह ताला ने उस न्यूक्लियस फाइब्रोसिस को साइडों से भी कवर किया हुआ है फ्रॉम द एमिलस फाइब्रोसिस, उसको ऊपर और नीचे जाने से भी मना किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स, कि ऐसा ना हो कि न्यूक्लियस फाइब्रोसिस क्या करे, मूव करना शुरू कर दे इनटू द वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा, कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स रखे ऊपर नीचे से भी और साइडों से भी। अब एक क्लोज चैम्बर में क्या है, न्यूक्लियस फाइब्रोसिस है, जब भी इसके ऊपर प्रेशर पुट होगा तो ये अपने क्लोज कंपार्टमेंट को इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से मैनेज करेगा कि वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑन टू द लोअर सेगमेंट्स। जैसे जैसे लोअर सेगमेंट्स के ऊपर वेट मूव करता जाएगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपकी स्पाइन स्टेबल भी ठीक रहेगी, मोबाइल भी ठीक रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी में भी कोई इशू नहीं आएगा, उसकी मोबिलिटी में भी कोई इशू नहीं आएगा, आप ठीक रहोगे, आपको पेन भी नहीं होगी। जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क आउट ऑफ ऑर्डर हो, जब न्यूक्लियस फाइब्रोसिस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना करे वेट को, तो फिर क्या होगा कि आपका सारे का सारा फंक्शन जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा, आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ सिंपल इसी चीज से, जब इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बूढ़े लोगों को क्यों स्पाइन का मसला ज्यादा होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस फाइब्रोसिस होते हैं ये डेसिकेट कर जाता है, ये क्या कर जाता है डेसिकेट, हम इसको बोलते हैं डिस्क डेसिकेशन। डिस्क डेसिकेशन इज व्हाट, कि वाटर कंटेंट परमानेंटली लूज कर जाए, डिस्क वाटर कंटेंट क्या कर जाए परमानेंटली लूज कर जाए, न्यूक्लियस फाइब्रोसिस होता है वो अंदर क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस फाइब्रोसिस में से वाटर कंटेंट परमानेंटली लूज हो जाता है, और जो एमिलस फाइब्रोसिस होती है इनमें नंबर ऑफ लेयर्स, अगर एक यंग इंडिविजुअल में 100 लेयर्स थी तो एक बूढ़े बंदे में 50 रह जाएंगे, कितनी रह जाएंगी 50, द नंबर ऑफ लेयर्स डिक्रीजेस, लेकिन जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है, बूढ़े बंदे में थिकनेस ज्यादा हो जाती है जबकि यंगर इंडिविजुअल में थिकनेस कम होती है, नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा होती है। अब आप मुझे ये बताओ, एक बंदा खड़ा है और उसको 100 बंदे मिलकर सरका रहे, तो वो कहां तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। इसी तरीके से अगर 100 बंदे 100 बंदों को मिलकर सरका रहे तो क्या होगा, ऑब्वियसली दे विल कोल्ड फॉर दिस, ठीक है, कि हम उसको ग्रादर को कहेंगे, हम उनको ग्रादर, ठीक है। तो what it is mean here कि जब आपके number of layers कम हो जाते हैं, चाहे आप इतने मर्जी मोटे बंदे हो, अगर एक मोटा बंदा, वो बहुत मोटा बंदा, यहाँ तक वो 100 बंदों के वेट को क्या कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है, ठीक है, तब भी 100 बंदों का मुकाबला तो नहीं ना कर सकता, नहीं कर सकता। इसी तरीके से नंबर ऑफ लेयर्स डिक्रीज हो जाए, थिकनेस चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो जाए, लेकिन वो उतना वेट बेयर नहीं कर पाएगा बूढ़े बंदे का एमिलस फाइब्रोसिस जो एक यंगर इंडिविजुअल का कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा है, जिसमें थिकनेस कम है। सर, लेकिन थिकनेस ज्यादा होगी तो लेयर्स ज्यादा
थिकनेस इसलिए ज्यादा होती है ना कि अल्लाह ताला ने किसी ना किसी तरीके से तो उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी, क्योंकि डीजनरेशन है बेटा, डीजनरेशन में नंबर ऑफ लेयर अगर कम हो जाए तो कम से कम थिकनेस तो ज्यादा हो सकती है, ठीक है। थिकनेस जो होती है एक्चुअली वो इसलिए ज्यादा होती है कि जो वर्टिब्रल सेगमेंट की मूवमेंट है, पहले जैसे ये मूवमेंट थी वर्टिब्रल सेगमेंट की, क्या थी कि नीचे वाला वर्टिब्रल बॉडी ऐसे था, ऊपर वाली वर्टिब्रल बॉडी की मूवमेंट ये थी एक न्यूटन की डिवीजन में, जब जितना ज्यादा हो जाएगी तो वर्टिब्रल बॉडी की मूवमेंट इतनी रह जाएगी, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने ये मूवमेंट तो नहीं कर रखी कि बूढ़े बंदे में भी इतनी मूवमेंट हो, ठीक है। अगर बूढ़े बंदे में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली बूढ़ा बंदा ही नहीं रहेगा। सो डीजनरेशन, डीजनरेशन जब भी होती है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। और वो रिड्यूस होने का चांस मतलब भी क्या है, जब आपके थिकनेसेस ज्यादा होने लग जाए। जैसे मेरी माइटोसिस हो रही है कॉन्टिन्यूसली विद इन द बॉडी टू हील माय इनर स्ट्रक्चर्स, जैसे जैसे मेरी एज ज्यादा होती है कि जो नंबर ऑफ माइटोसिस और ये वो कम हो जाए, जहां पर मेरी नंबर ऑफ माइटोसिस कम रह जाएगी वो सिर्फ एसेंशियल स्ट्रक्चर्स पर माइटोसिस ज्यादा हो जाती है, ब्रेन, किडनीज, आईज, ठीक है, लिवर, इनके अंदर जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है, हार्ट में हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, लंग्स में हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में वही चीज क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बॉडी का सिस्टम है कि वो सेंट्रलाइज पोर्शन को फिर ज्यादा पंप करती है, स्पाइन की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इनको वो ज्यादा फोकस नहीं करेगी। यहां तक बात से समझ आ गई? सर, जो इंडिविजुअल होते हैं जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उनका ये बेहतर होता है थिकनेस कम ही रहती है, वो कुछ ऐसे होते हैं ना जो अच्छा मूव कर सकते हैं। हां, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन्होंने अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारा है तो उनकी डिजनरेशन स्लो डाउन होती है, होती जरूर है बेटा, ठीक है। कोई भी आपने आज तक देखा 60 साल का बंदा हो जो जवान यंगर इंडिविजुअल की तरह दिखता हो? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली दे हैव टू डीजनरेट, ठीक है। ये तो पूरी दुनिया में काम होना ही होना है कि आपने डीजनरेट कर जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो इट कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी स्टॉप, ठीक है। आप डीजनरेशन को स्टॉप नहीं कर सकते, हर बंदे ने बूढ़े होने, ठीक है। तो यहां तक जब तक कि उसमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए, डिहाइड्रेशन में बंदा जिंदा ही नहीं रहता या बंदा कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता, ठीक है, सही है। अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा तो Obviously, उसको सारे सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो जाए। डिहाइड्रेशन एक स्वेयर काम है, वैसे तो हर बंदे का वाटर कंटेंट नॉर्मल रहता है बॉडी में, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वाटर कंटेंट कम हो जाए, डिहाइड्रेशन कंटेंट कम हो सकता है। ऐसा नहीं, जब तक उनको नहीं, ऐसे चीन के ऊपर कोई असर नहीं है डिहाइड्रेशन, ठीक है। बाकी सिस्टम शट डाउन हो जाएंगे तो हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की तो नहीं ना पड़ी होगी, हमें तो बाकी सिस्टम मेंटेन करें। जब आपकी किडनी शट डाउन हो जाए, किडनी शट डाउन हो जाए तो इसका मतलब है आप गए, ठीक है। किडनीज दे आर सो मच इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस है, ठीक है। आपके यूरिन को कंट्रोल करना उसने, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना बॉडी के अंदर इन द यूरिन, ठीक है। आपकी जितनी भी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, उनको फिल्टर करके क्या करना है, बाहर भेजना है, ठीक है। जब आप जैसे ही आपका किडनी स्टॉप होना शुरू होता है आपको तो लग समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो जिस तरीके से आप सिस्टम को शट डाउन करते हो, ठीक है, उसी तरीके से आपका किडनी भी जैसे ही शट डाउन होता है आपका पूरा सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो जाता है बॉडी का, ठीक है। यहां तक समझ आती है कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स की भी, ठीक है, व्हाट दे आर एक्टिंग लाइक, ठीक है। ये जो कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स होती है इनके थ्रू एक्चुअली डिफ्यूजन होती है,
ठीक है, एक एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो न्यूक्लियस पर पहुंचे जितना भी न्यूट्रिएंट आ रहा है या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, इस कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स के थ्रू। ठीक है, कार्टिलेजिनस एंड प्लेट्स, ठीक है, ये देखो ये न्यूक्लियस पर पहुंचे है, इसके ऊपर कार्टिलेजिनस एंड प्लेट है और इसके ऊपर क्या है आपकी वर्टिब्रल बॉडी की एक सरफेस है। ठीक है, एक क्या है, एक सरफेस है, ये देखो ये न्यूक्लियस पर पहुंचे, इसके ऊपर कार्टिलेजिनस एंड प्लेट और इसके ऊपर क्या होगी वर्टिब्रल बॉडी की एक सरफेस होगी, ऐसे ही कहा है, ऐसे समझना है। जो ये जो वर्टिब्रल बॉडी की जो सरफेस होती है, ये वर्टिब्रल बॉडी आपकी क्या होती है, कैंसिलियस बोन की बनी होती है या कैलस बोन की बनी होती है, कैंसिलियस बोन, कैलस बोन, कैलस बोन की मेरी फीमर बनी है, मेरी टिबिया बनी है, जहां पर कैलस कैलस बोन होती है वहां पर कोई भी डिफ्यूजन नहीं हो सकती, वहां पर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पास कर सकता। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं कैलस जो होती हैं, जो कैंसिलियस वर्टिब्रल बॉडीज जो होती हैं वो कैलस बोन्स होती हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्गर बोन रख देता तो वो स्ट्रॉन्गर बोन्स आपस में इतनी ज्यादा जितनी लोडिंग होती है यही दो बोन्स ने इंटरवर्टिब्रल डिस्क को रप्चर कर देना था, यही दो बोन्स जो अगर कैलस हो जाती वर्टिब्रल बॉडीज तो इनकी अपनी ही लोडिंग की वजह से क्या होना था आपके डिस्क में रप्चर कर जाना। ठीक है, सो दे आर कैलस। ठीक है, एक इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि कैलस जो बोन होती है खुद भी वेट को एब्जॉर्ब करती है। आपने अक्सर जॉगर्स देखे होंगे जिनमें क्या होता है कि एयर रखी होती है, एयरमैक्स शूज कभी देखे, एयरमैक्स शूज, ठीक है, एयरमैक्स शूज होते हैं उनमें एक्चुअली क्या होती है, एयर की ट्यूब्स होती है, उनमें एयर भरी हुई होती है। ठीक है, तो वो एयर की ट्यूब्स क्या करती है एक्चुअली आपकी एब्जॉर्प्शन करती है, वो जो आपका वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर रही है, उसको ग्रेविटी तक नहीं जाने दे रही, उसको जमीन तक नहीं जाने दे रही, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। तो जो कैलस बोन जिसमें होलो स्ट्रक्चर होते हैं वो अपने आप वेट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। इट्स ठीक हो गया, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की हम बात करते पहले इंटीरियर पिलर की, हमने वर्टिब्रल बॉडी की बात की, हमने इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात की, अब हम बात करें पोस्टीरियर पिलर की। पोस्टीरियर पिलर में हमारे पास आ जाता है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ठीक है, अब इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को कहते हैं कि एंटीरियर बाउंड्री कौन सा बना रहा है, एंटीरियर बाउंड्री इंटरवर्टिब्रल फोरामिना की कौन बनाएगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनाएगी, पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाएगा, फैसेट जॉइंट बनाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर बाउंड्री कौन बनाएंगे, पेडिकल्स बनाएंगे, पेडिकल्स का फ्रैक्चर हो जाए तब भी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कंप्रोमाइज होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रोट्रूजन हो जाए, सीक्वेस्ट्रेशन हो जाए, ठीक है, तब भी क्या होगा मैं बताता हूं जाती क्या है, अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क रप्चर कर जाती है सिंपली तब भी क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना क्या हो जाएगा, इंपिंज होगा, नैरो डाउन हो जाएगा। पोस्टीरियर बाउंड्री में अगर आपके पास फेसर जॉइंट की डिजनरेशन होती है, जब भी जॉइंट की डिजनरेशन होती है तो अगर वो जॉइंट लाइक दिस इतना खूबसूरत जॉइंट बना हुआ है तो वो ऐसा ऐसा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिजनरेट करके, ऐसे ही ना ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट कभी देखे, ठीक है, टिबिया फिब्यूला, नॉर्मली टिबिया फिब्यूला अपनी कंफाइनमेंट के अंदर है, ठीक है, एक आपकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे डिजनरेशन होती है दे बिकम Enlarged, ठीक है, जो उनकी सरफेसेस होती हैं वो रगड़ खा-खा के कितने ज़्यादा डिजनरेट होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो जहाँ पर भी वो बड़ी होना शुरू होंगी वो अपने स्ट्रॉन्गली स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगी, कंप्रोमाइज करना शुरू कर देंगे, इंपिंचमेंट प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे उनके ऊपर। यहाँ तक बात की समझ आ गई, सो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जब भी आपका कंप्रोमाइज होगा, नैरो डाउन होगा, आपके नर्व रूट के ऊपर क्या आएगी, इंपिंचमेंट आएगी, क्या आएगी, इंपिंचमेंट आएगी, जब भी नर्व के ऊपर इंपिंचमेंट आएगी आपको क्या हो सकता है, नर्व इंजरीज में मैंने बताया होगा, मायोटोमल वीकनेस हो सकती है या डर्माटोमल
सेंसेशनल लॉस हो सकता है। डर्माटॉन डर्माटॉन पढ़ाए थे या पढ़े नहीं कभी? डर्माटॉन में हमेशा सेंसरी लॉस होगा और मायोटॉन में वीकनेस आएगी, मसल वीक होना शुरू हो जाएंगे, पैरालाइज होना शुरू हो जाएंगे और डर्माटॉन सेंसरी लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों का क्विज है, जो हालात लग रहे हैं ना आप लोगों के, जो हालात है मतलब मैं रोज कभी किसी से भी आगे पूछा तो किसी को नहीं आता होता कि मैंने मतलब कुछ पढ़ कर नहीं आना। क्विज है आप लोगों पर इंशाल्लाह ताला फ्राइडे, ठीक है, जो फ्राइडे है, फ्राइडे को होगी आपको क्लास, थर्सडे को होगी, थर्सडे को क्विज होगा, नेक्स्ट वीक कर ले, हमारा ऑलरेडी इस वीक में 3 क्विज हैं। सर नेक्स्ट वीक कर ले, इस वीक हम कैसे तैयार करेंगे? हमारे सर नेक्स्ट वीक कर ले, अभी नहीं करें सर। सर हमारे 3 सैटरडे मंडे ठीक है कमिंग मंडे। सर हमारे पहले यूजर ट्यूसडे कर दें, सर ट्यूसडे कर दें, ट्यूसडे बेटा चुप कर जाएं, मंडे ठीक है सर, लास्ट टाइम जी सर ठीक है मंडे को। सिलेबस में आपके पास 6 लेक्चर होंगे, फर्स्ट 6 लेक्चर इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ओके सर ठीक है, हर बच्चे के लिए पेपर डिफरेंट होगा, ठीक है, आप लोग जब अपना एलएनएस खोलोगे तो पेपर डिफरेंट आएगा, इसलिए कोशिश भी ना कीजिएगा। फिर सब बच्चों का पेपर डिफरेंट होगा? हाँ जी, पता चल जाएगा कैसे डिफरेंट होगा। फिर सबके सबका पेपर लेदा लेदा बनाएंगे आप? बेटा मैंने एक ही बनाना है, वो एलएनएस खुद को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। टाइम मतलब सर आगे पीछे कर देंगे? नहीं बेटा मैं बच्चा नहीं हूँ। सर टाइमिंग क्या होगी? वो दो क्विज है प्लीज सर, हमारा मॉलिक्यूलर बायो मैकेनिक्स दोनों का क्विज है। क्या बेटा So what are the contents? ठीक है, contents की बात करते हैं, intervals की बात करते हैं, एक तो आपकी neural pass करेंगे, ठीक है, फिर आपकी sinovertebral nerve होती है, जिसको हम लोग एक और नाम भी होता है sinovertebral nerve का, नाम से भूल गया, recurrent meningeal nerve, ठीक है, sinovertebral nerve भी कह सकते हैं, recurrent meningeal nerve भी कह सकते हैं, ठीक है, एक नर्व रूट पास कर रही है, एक ब्लड वेसल्स पास कर रही है, उसमें आर्टरी भी होती है, उसमें वेन भी होती है, और आपकी फिर आपकी रिकरेंट मेनिंजियल नर्व या साइनोवर्टिब्रल नर्व ये भी पास कर रही है, ठीक है, तो आपकी नर्व रूट भी इंपिंच कर सकती है, आपकी ब्लड वेसल्स भी इंपिंच कर सकती है, और आपकी ये साइनोवर्टिब्रल नर्व भी इंपिंच कर सकती है। साइनोवर्टिब्रल नर्व का काम क्या होता है, जो स्पाइन के सराउंडिंग में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या करती है, सप्लाई करती है, समझ आ गई बात? अच्छा, वो कहते हैं साइज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना इज अफेक्टेड बाय द स्पाइनल मोशन, ठीक है, कैसे, जब भी वो कहते हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग होगी और कॉन्ट्रालेटरल साइड बेंडिंग होगी, फॉरवर्ड बेंडिंग में भी आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का साइज बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल बेंडिंग में मतलब मैं लेफ्ट साइड की बेंडिंग कर रहा हूं तो राइट साइड के इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं एक्सटेंशन के अंदर और सेम साइड की साइड बेंडिंग में एक्सटेंशन होगी तब भी इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का साइज छोटा हो जाएगा, और जब मैं साइड बेंडिंग करूंगा राइट साइड के साइड बेंडिंग करूंगा तो राइट साइड की इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का साइज क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज अफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ द स्पाइन, जैसे जैसे स्पाइन मूव करेगी वैसे वैसे आपकी
इंटरवर्टिब्रल फॉर्मूला का साइज इफेक्ट होगा. अच्छा, पैथोलॉजी ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. अब ये पांच पैथोलॉजीज हो सकती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की. द वन इज हर्निएशन. When there is any change in the shape of annulus fibrosis that causes it to bulge beyond its normal perimeter. सिर्फ क्या हुआ है कि annulus fibrosis अपने normal confinement से क्या हो गया, थोड़ा सा बाहर आ गया, bulge कर गया. ऐसे नहीं हुआ कि मतलब पूरे का पूरा जो intervertebral disc है annulus fibrosis है वो मूव करके, बल्कि क्या हुआ लाइक दिस, अपनी स्पेस अपनी जगह पर है एनुलस फाइब्रोसिस. अभी डिस्क नहीं हिलती कि जो डिस्क उठ के इस साइड पर आ जाए या डिस्क उठ के इस साइड पर आ जाए. यूजुअली क्या होता है कि डिस्क लाइक दिस ये बल्ज कर गई. अब ये जो एनुलस फाइब्रोसिस का जो बल्ज है दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज हर्निएशन. ठीक है, इसमें किसी चीज को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ है कि जो नॉर्मल कंफाइनमेंट थी उससे क्या हुआ है एनुलस फाइब्रोसिस आउट कर दिया, बाहर चला गया थोड़ा सा. ठीक है, बल्ज कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हर्निएशन. द वन सेकंड वन इज प्रोट्रूजन. व्हेन न्यूक्लियर मटेरियल इज कंटेन्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ एनुलस फाइब्रोसिस एंड स्पॉटिंग लिगामेंट स्ट्रक्चर. हमने बात की थी एनुलस फाइब्रोसिस की इनर लेयर की और आउटर लेयर की. एनुलस फाइब्रोसिस का अगर टीएफ स्टार्ट होता है तो अंदर से होना शुरू होता है, कभी ये नहीं होता बाहर से टीएफ स्टार्ट हो अंदर की तरफ आए. हमेशा क्या होगा अंदर से टीएफ बाहर की तरफ जाता है. तो वो कहते हैं कि जब प्रोट्रूजन क्या है कि जब एनुलस फाइब्रोसिस की जो इनर लेयर्स है वो टीयर हो जाए लाइक दिस. ये एनुलस फाइब्रोसिस की लेयर्स हैं लाइक दिस. लेट्स से ये फोर लेयर्स है, ये फोर लेयर्स है, ये दो लेयर्स क्या हो गए लाइक दिस, ऐसे रप्चर कर गए लाइक दिस. ये क्या हो गई है फोर लेयर्स क्या हो गई है रप्चर कर गए. अब जो अंदर वाला न्यूट्रल मटेरियल था वो क्या आ गया इन दोनों लेयर्स के अंदर आ गया. इनके अंदर आ गया, इन दोनों लेयर्स के अंदर आ गया. लेकिन जो आउटर लेयर्स है और जो पीछे स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो लिगामेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने न्यूक्लियर मटीरियल न्यूक्लियस प्रोसेस को ज्यादा बाहर नहीं आने दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोट्रूजन. के न्यूक्लियस प्रोसेस रहे विद इन द एनुलस फाइब्रोसिस, रहे विद इन द एनुलस फाइब्रोसिस, लेकिन जो इनर लेयर है एनुलस फाइब्रोसिस को उनको टियर करके उनमें मूव कर जाए. न्यूक्लियस प्रोसेस उनमें मूव कर जाए एनुलस फाइब्रोसिस की इनर लेयर्स में, लेकिन एनुलस फाइब्रोसिस न्यूक्लियस प्रोसेस को अपनी जगह पर ही रखे जो उसकी आउटर लेयर्स है, उसको हम प्रोट्रूजन बोलते हैं. लेकिन उसकी बाउंड्री एंटर जरूर होगी. ठीक है, समझ आ रहा है. पांच लेयर है ना, पांच में से तीन लेयर में एंटर हो गए, आखिरी दो लेयर में एंटर नहीं हो सका और वो ना दो लेयर अलाउ करेंगे वो और एंटर हो. ठीक है, उसको हम प्रोट्रूजन बोलते हैं. द सेकंड वन इज प्रोलैप्स. When fan rupture of the nuclear material into the vertebral canal. अब क्या हुआ जो जो दो लेयर्स में आ गई वो भी क्या हो गई है रप्चर हो गई है और जो न्यूक्लियस मटीरियल का थोड़ा सा कंटेंट है वो क्या हो गया बाहर आ गया. That is prolapse. ठीक है, that is prolapse. सर इसमें डिस्क स्लिप किसने होती है? डिस्क स्लिप नहीं होती, वो अलग है. डिस्क स्लिप होती ही नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा था. This remain at its position. Slippage का मतलब ये है कि ये. नहीं हम नहीं करते. मैंने आपको मैंने तो कभी नहीं disc slip हो गई. जो कहता है. क्या होता है? हमने पढ़ा मतलब क्या शायद पढ़ा था कि disc की वजह से radiation होती है. जिसने कहा कि आपको रहेगी ना. उसको हम शेयरिंग फोर्स कह सकते हैं, लेकिन शेयरिंग फोर्स में हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्क स्लिप है. डिस्क स्लिप होने स्लिप का मतलब क्या है कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को
छोड़ के तो किसी और पोजीशन पर चली गई, दैट इज डिस्क्रीट। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आप लोगों को यही इसलिए पढ़ाया एनुलस फाइब्रोसिस का कि वो ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ भी अटैच, नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ भी अटैच है, जब अटैचमेंट उसकी अलग अलग ऐसे बनाई हुई तो हाउ इट कैन पोजीशन, वो स्लिप नहीं करता। ठीक है, स्लिपेज की बात क्या है, शेयरिंग फोर्स, कि एक वर्टिब्रल सेगमेंट नीचे वाले एक वर्टिब्रल बॉडी नीचे वाले वर्टिब्रल बॉडी के ऊपर लाइक दिस वो ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है, स्लाइड कर सकती है, लेकिन वो भी एक खास हद से ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मूव कर सकती। जब लेट से मैं फॉरवर्ड बेंड होना शुरू होता हूं तो मेरी नीचे वाला जो सेकंड कॉक्सिस है ये स्टेबल रहता है, बेस के तौर पर एक्ट करता है, और जितने ऊपर वाले वर्टिब्रा है वो ऐसा ऐसा आगे की तरफ स्लिप हो जाते हैं। सर मुझे वर्टिब्रा से कहते हैं मोरे के निशान नहीं, ये सारी लेमैन लैंग्वेजेस हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल थेरेपिस्ट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल थेरेपिस्ट एंड अ नॉर्मल डॉक्टर, के जी वो कहते हैं जी स्लिप होगी, कहां पे स्लिप होगी, मतलब अलग अलग ने इतनी हल्की सी चीज में स्लिप करके बाहर निकल गई, कहां निकल गई, एब्डोमेन में आ गई। यहाँ पे आप पेशेंट को डरा देते हैं, दिस स्लिप हो गई आपकी, अच्छा स्लिप कर गई बेटा, हो ही नहीं सकती ना, ये पांच पैथोलॉजी है, इसके अलावा कोई पैथोलॉजी हो ही नहीं सकती, डिस्क स्लिप हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी बड़ा ट्रॉमा हो जाए डिस्क स्लिप नहीं होगी, वर्टिब्रा आपका फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा मैं क्या एक्सरसाइज कर सकता हूं, ठीक है, सो डिस्क कांट डिस्लिप। द नेक्स्ट वन इज एक्सट्रूजन, व्हेन एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल बियॉन्ड द कंफाइंस ऑफ द posterior longitudinal ligament or above and below the disc space as detected on MRI and but still in contact with the disc. अब वो कहना क्या चाह रहे हैं इसमें? Prolapse में क्या था कि हमारी पांचों की पांचों layer, annulus fibrosus की तमाम layer structure हो गई थी और uterine material जो है वो बाहर तक आ गया था थोड़ा सा, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा nuclear material क्या आ गया, बाहर आ गया है, Like 50% अंदर है तो 50% ही बाहर आ गया, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ये 50% जो बाहर आया है इसको किसने अभी तक रोक रखा हुआ है, जो आउटर लिगामेंट्स हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं, उनको रोक, उन्होंने इसको रोक रखा हुआ, इससे बियॉन्ड नहीं जाना, हमारी कंफाइनमेंट से बियॉन्ड नहीं जाना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एक्सक्लूजन। सीक्वेस्ट्रेशन, extruding nucleus, the extruding nucleus has separated from the disc and moved away from the prolapse region. अब क्या हो गया कि उसमें जो एरिया है जो लिगामेंट ने जब उसको कंफाइन करके रखा था वो उससे भी क्या हो गया, बाहर मूव कर गया। अब मैं बताता हूं ना बाहर कहां मूव करता है, यही अगर एनाटॉमी जब पढ़ाई थी किसी ने वो एनाटॉमी अच्छी सी पढ़ी होती, वो बेचारे क्या कहते थक जाते हैं, एनाटॉमी इज द बेस, एनाटॉमी इज द बेस, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं मुंह उठा के क्या करते हैं, कभी भी नहीं पढ़ी बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूँ थेरेपी पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें अच्छे तरीके से, अभी भी कोई नहीं पढ़ेगा, और फिर बाद में पता क्या होता है, यकीन करें, अब मैं आपको एक केस सुना, मैंने बच्चे पढ़ाए तो आप लोगों का फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ, एक बच्चे ग्रेजुएट हुआ एक जगह ज्यादातर मुझे डॉक्टर मार ने पढ़ाया, अच्छा चलो जी आ जाओ, अब वो वहां पे टेस्ट लेते अपना, उनका प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है, सबसे ज्यादा सीनियर है इस टाइम के ही के ग्रेजुएट है 1990s के, उनके पास गए जी हमें सर आप रख लें, हमें सर हमारे बताया, अच्छा जी आप टेस्ट दे दो, मीडियल एल्बो पेन किस वजह से होती है सर नहीं पता, अच्छा अगर ये ग्लियोफिंगल जॉइंट में पेन आए, एक एक खास आर्क में पेन है और उसके बाद खत्म हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, उसने खोता खूह में डाल दिया
ठीक है, कहते हैं खोते खूर विच पाता, क्या बात एक्चुअली क्या है, मतलब सारी पूरा 10 semester आपको पढ़ाया कि जी इस तरीके से ये चीज है, ये चीज है। अब ये सारी चीजें मैं हजार या लाख दफा पढ़ा चुका हूँ, मैंने उनको मैक्स कम से कम 5 courses पढ़ाए, 5 courses बैच 1 को, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चे जाके ये बिहेव करे, एक बच्चा MSOMPT करने गया, वहां पर फेल हो गया, वहां पर फेल हो गया, रिफाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, नाम नहीं रखना। मैं कहता हूँ इस चीज के खिलाफ होना चाहिए, हम UHS में एक पेपर फेल हो गया, सक्रिया भी एक दफा अलाउ किया जाता था कि आप पेपर दोबारा दे दें, उसके बाद क्या होता था, अगर आप दोबारा फेल हो गए सक्रिया के आप यूएचएस पेपर में, तो आप दोबारा फोर्थ ईयर में, आप दोबारा थर्ड ईयर में पूरी पढ़े। यहाँ पर क्या है, 16,000 जमा कराओ, साइड में लगाओ, 16,000 नहीं जमा कराना, अच्छा देखना है कौन सा टीचर है, होल्ड होल्ड होल्ड, तब तक होल्ड करना जब तक टीचर नहीं है काम का। ये एक्चुअली जो कुछ चीजें हैं वो तबाहकुन हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस चीज के ये फैसिलिटेशन है कि आप अलाउ करो, UHS क्या कर रही है, वो भी तो फैसिलिटेट कर रही है, वो क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रही है, फीसिस बहुत कम है, वो क्यों नहीं फैसिलिटेट, फैसिलिटेट ही कर रही है ना, वो क्या बच्चों को डिग्रीज नहीं देती, देती है, वो क्या बच्चों को गोल्ड मेडल्स नहीं देती, देती है। डिफरेंस कहां पर आ जाता है, यहां पर डिफरेंस आता है, जब आपको पता चलता है ना कि हमें ये चीज पास नहीं करेगा, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो फिर भी आप कुछ पढ़ लेते हो। लेकिन जब आपको लगे कि खैर है यार ये पीछे गुजर जाए, इसमें फेल कर भी दिए तो खैर है, कोई बात नहीं, हम अगले सेमेस्टर में उठा लेंगे जब ये टीचर है, बस हो गया, ठीक है बेटा। जी बेटा सर, हमारी ना मंडे वाले दिन लास्ट लास्ट तक की एंड होती है डॉक्यूमेंट की ना, तो अगर आपने क्विज रखना तो उसके बाद रख लीजिए बेटा, मंडे को ही हो। सर कितने बजे से मंडे को टाइमिंग बता दें सर, मंडे ठीक है, कितने बजे एंड होती है, तो शाम 6 बजे मैं टाइमिंग, ठीक है बेटा, बताओ मैं टाइम बेटा बता दूंगा, ओके सर। जो कहते हैं कि लो बैक का जो बेटा बाहर है।